हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस एक्सप्लोअर्ड हमने आज तक माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड बहुत से टॉपिक हमारे इस चैनल पे कवर किए हैं आज भी माइक्रोबायोलॉजी से ही एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस वायरस आर माइक्रोस्कोपिक सिंपल इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल मीन्स वायरस ये माइक्रोस्कोपिक है मतलब ये नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी ये इन्फेक्शियस एजेंट है मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन करेंगे और वहीं पे खुद का मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे वायरस ये एनिमल प्लांट और बैक्टीरिया इन तीनों को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस कैन बी क्लासीफाई आइदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग मतलब इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कंडीशन माना जाता है क्योंकि ये खुद होके खुद का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं उन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट बॉडी चाहिए होती है सो so, इस वजह से ये नॉन लिविंग हुए और अगर ये होस्ट सेल में एंट्री करते हैं तो ये होस्ट सेल से एनर्जी लेके खुद का रिप्रोडक्शन वहां पे कर सकते हैं सो so, तब ये लिविंग कहलाएंगे हैंस दे आर कंसिडर एज समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरसेस आर मच स्मॉलर than बैक्टीरिया एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और डबल stranded न्यूक्लिक एसिड तो वायरसेस ये बैक्टीरिया से छोटे रहेंगे साइज में और इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो एक तो हो सकता है डीएनए या फिर ये रहेगा आरएनए इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें डीएनए और आरएनए एक ही वायरस में कभी नहीं होगा उसका जेनेटिक मटेरियल एक तो रहेगा डीएनए या फिर वो हो सकता है आर और ये जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं ये प्रोटीन शेल से कवर किया जाता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर है जिसे क्या कहा है जिसे कहा जाता है कैप्सिड और ये कैप्सिड किससे बनी हुई होती है ये कैप्सिड बनी है प्रोटीन से ठीक है। अब जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है उसे कहा जाता है कोवर सो अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस और कैप्सिड क्या है कैप्सिड इज प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव कवरिंग। कवरिंग अब किसकी है कोर का कोअर दैट मींस जेनेटिक मटेरियल जो कैप्सिड है मतलब ये जो बाहर का जो प्रोटीन का कवरिंग है ये किससे बना है कैप्सोमियर से बना है कैप्सोमियर मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स तो ये जो कैप्सिड है ये कैप्सिड ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट से बना होता है जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है यहाँ तक समझ में आया फिर से सुनिए ये जो वायरस है वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो एक तो रहेगा डीएनए या फिर आरएनए इसके ऊपर की कवरिंग जो होती है उसे कैप्सिड कहते हैं और ये कैप्सिड प्रोटीन से बना है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे कंबाइनिंगली हम कोअर कह सकते हैं लास्ट आपको न्यूक्लियो कैप्सिड इस वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए सो न्यूक्लियो कैप्सिड मतलब ये कोअर और कैप्सिड का कंबाइन स्ट्रक्चर है मतलब ये जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस कंबाइन स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड सो इट इज़ कम्बाइन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोअर एंड कैप्सिड ठीक है तो ये हुआ न्यूक्लियो कैप्सिड ये जो वायरस है ये दो टाइप के होते हैं पहला जो है वो है नेकेड वायरस और दूसरा होता है एनवलप वायरस सो so, वायरस कैन आइदर बी एनवलप और नेकेड इन नेचर अब जिस वायरस के पास ये एनवलप है तो ये जो एनवलप है ये लिपिड और प्रोटीन से बनी है सो so, यहाँ पे देखिए ये है एनवलप वायरस मतलब इसके पास एनवलप होगा और ये जो एनवलप है ये लिपिड और प्रोटीन से बना है अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एनवलप है वायरस के पास ये इसके पास आया कहाँ से है सो दिस एनवलप इज डिरावट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल और होस से अब इसका मीनिंग क्या है तो ये समझने के लिए पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं मान लो ये नॉर्मल सेल है और इस सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब इस सेल के अंदर जब वायरस एंट्री करेगा तब ये वायरस इस सेल के अंदर आने के बाद खुद का रिप्रोडक्शन करेगा अब ये रिप्रोडक्शन करने के बाद ये जो सेल है ये इन्फेक्टेड सेल है अब हम इसे नॉर्मल सेल नहीं कह सकते हम इसे कहेंगे इन्फेक्टेड सेल अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है इसके अंदर जो वायरस है ये वायरस इस सेल के बाहर आएंगे अब जब ये बाहर आते हैं तब ये क्या करते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की इस सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग खुद के ऊपर कर लेता है जैसे कि यहाँ पे देखिए इस वायरस ने क्या किया खुद के ऊपर सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग कर दिया ओके और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग ऑफ अब इसका वायरस को क्या फायदा होता है तो उसके लिए ये सेंटेंस देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एनवलप सराउंड द कैप्सिड एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट द वायरस फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम मतलब अब ये जो वायरस है जिसने हमारे सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग कर लिया है खुद के ऊपर जिसे हमने एनवल्प कहा है अब ये जो एनवल्प वाला वायरस है ये अगर दूसरे नॉर्मल सेल में एंट्री करेगा तब हमारी इम्यून सिस्टम उस वायरस को नहीं किल कर पाएगी अब क्यों किल नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये जो वायरस है इसके ऊपर खुद की ही सेल मेम्ब्रेन है तो हमारी इम्यून सिस्टम उस वायरस को वायरस नहीं कंसिडर करेगी हमारे इम्यून सिस्टम को लगेगा कि ये खुद की नॉर्मल सेल है और इस वजह से इम्यून सिस्टम उस वायरस को किल नहीं कर पाएगी सो so, इस वजह से ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस क्या है एनवलप हेल्प प्रोटेक्ट्स द वायरस फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम तो इम्यून सिस्टम इस वजह से इस वायरस को किल नहीं कर पाएगी क्योंकि वायरस ने हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कवरिंग खुद के ऊपर कर लिया है किसी वायरस के पास इस एनवलप के ऊपर कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये है एक एनवलप वायरस मतलब इसके पास एनवलप होगा अब इस एनवलप के ऊपर किसी वायरसेस के पास ये एनवलप प्रोटीन होते हैं जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं जो कि पर्टिकुलर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं स्पेसिफिक होस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं मतलब मान लो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है और उस वायरस के पास ये स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे अब ये जो वायरस है ये वायरस सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही इन्फेक्ट कर पाएगा क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं सो so, इस वजह से वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास क्या है स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है सो मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस के पास ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो वायरसेस है ये एनवलव वायरस होते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ हमने हमारा एक एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया है साइंस एक्सप्लोर नाम से इस ऐप आप में आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है कुछ स्टडी मटेरियल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कुछ ये पेड मटेरियल है तो अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है और अगर कोई भी बायो से रिलेटेड टॉपिक अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप ये ऐप्स प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट जाता है या फिर कोई भी कोर्स अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कोर्स बना सकूँ तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये ऐप आप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं यहां पे मैंने आज का ये जो टॉपिक है उसका पूरा रिविजन दिया है तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था वायरस कंसिस्ट ऑफ डीएनए और आरएनए तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल रहेगा एक तो डीएनए और आरएनए विद इन अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट तो उस प्रोटीन कोट को हमने क्या कहा था कैप्सिड तो कैप्सिड के अंदर वायरस का डीएनए या फिर आरएनए रहेगा द शेप ऑफ कैप्सिड में वेरा फ्रॉम टाइप्स ऑफ वायरस टू अनादर तो इस ये जो कैप्सिड है तो इस कैप्सिड के बेसिस पे वायरस इसके अलग अलग शेप होते हैं तो उसके बेसिस पे उसके बहुत से टाइप्स है तो ये टाइप्स क्या है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बट आज हमने क्या डिस्कस किया है कि जो कैप्सिड है उसके अंदर डी या फिर उसका आर रहेगा जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो ठीक है नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है द कैप्सिड इज मेड फ्रॉम प्रोटीन तो हमें पता है जो कैप्सिड है ये कैप्सिड किससे बना है ये प्रोटीन से बना है दैट आर इनकोडेड बाय द वायरल जीन विद इन देयर जिन मतलब इस प्रोटीन कोट के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है नेक्स्ट हमने पॉइंट देखा था कि सम वायरसेस हैव एनवलप तो कुछ वायरसेस के पास एनवलप है तो कोई वायरस नेकेड वायरस है अब जो एनवलप वायरस है उनका जो एनवलप है वो किससे बना था वो लिपिड और प्रोटीन से बना था द एनवलप इज मेड फ्रॉम पोर्शन ऑफ द हो सेल मेम्ब्रेन और जो एनवलप बना था वो किससे बना था जिस सेल को अभी ये इन्फेक्ट करेगा उसी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वही सेल मेम्ब्रेन मतलब इनका एनवलप रहेगा तो ये भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में वायरसेस के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं उसके जो शेप है उसके बेसिस पे उसके कौन से टाइप्स होते हैं या फिर उसका जो डीएनए और आरएनए अलग अलग होता है तो उसके कुछ अलग से नाम होते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू